काशी पत्रकार संघ के गर्दे सभागार में वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में वाराणसी नागरिक संघ के तत्वावधान में वरिष्ठ पत्रकार रंभा के संपादक राममय रात के संपादक स्वर्गीय मुन्नू प्रसाद पांडे की 11वीं पुण्यतिथि भजन गीत गजल काव्यपाठ संस्मरण के साथ श्रद्धांजलि देकर मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता डॉ प्रेम शंकर दुबे ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि मारुति नंदन तिवारी, विशिष्ट अतिथि डॉ पवन कुमार शास्त्री, डॉ अत्री भारद्वाज, वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु उपाध्याय, लाला रामकिशन गुप्ता उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत सुधीर कुमार रस्तोगी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुरेश प्रसाद पांडे ने किया। मंगलाचरण राधिका रंजन तिवारी ने किया। संचालन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, धन्यवाद ज्ञापन पुरुषोत्तम मिश्रा ने दिया। समारोह में कविन्द्र नारायण सिंह, डॉक्टर कैलाश सिंह, नरोत्तम शिल्पी सुधांशु पांडे इत्यादि लोगों ने विचार रखे। विशिष्ट अतिथि हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि अब पुण्यतिथि के स्थान पर संकल्प दिवस मनाया जाएगा। सुरेश प्रसाद पांडे को श्रवण कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया। मुन्नू प्रसाद पांडे जी के साथ प्रारंभ से बनारस में रहते हुए उनके कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हूं, इसका साक्षी रहा हूं कि वे रंभा अखबार निकालते थे। उस समय अखबार उस प्रकार के नहीं हुआ करते थे, फिल्मी दुनिया से संबंधित वो अखबार था और उसकी नोटिस आज की मुंबई तक के कलाकारों द्वारा ली जाती थी। उसमें जो टिप्पणियाँ छपती थी उसका बड़ा महत्व हुआ करता था और पत्रकारों के द्वारा भी वो बहुत ही श्रद्धा के पात्र थे, बहुत आदर के पात्र थे। मुन्नू प्रसाद पांडे जी चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सभी लोग उनको बहुत प्यार करते थे, उनके कार्यक्रमों में बड़े आदर से उपस्थित होते थे और बनारस का कोई गणमान्य व्यक्ति नहीं है जो उनके कार्यक्रमों में चाहे वो किशन महाराज हों, चाहे गिरिजा देवी जी हों, पद्मश्री शिवकुमार मिश्र जी हों या राजेश्वर आचार्य जी हों, सभी बड़े व्यक्ति जो है इस कार्यक्रम में कभी न कभी हिस्सा रहे हैं। उनके उनके याद में क्या कर रहे हैं आप लोग आज? उनकी याद में हम लोग उनके कार्यों का स्मरण कर रहे हैं, उनके जो किए हुए कार्य हैं उनको याद कर रहे हैं, आगे उनके ऊपर कौन से कार्यक्रम किए जा सकते हैं उसकी योजना बनाएंगे हम लोग यहाँ बैठ कर, और फिर अगले साल जो प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि और जन्मदिन होता है उस पर उन कार्यों का की अभिव्यक्ति करेंगे, चाहे पुस्तक के माध्यम से चाहे और किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से, सेवा कार्य के माध्यम से, राममय रात जो आज करते हैं उसके माध्यम से उनको हम लोग स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे। और